हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने ऑनलाइन चैनल टारगेट तालुक से मैं वीके शुक्ला आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा जो एक इस वीडियो में आपको 3 से 4 मार्क्स का UPSI में वो कंप्लीट हो जाएगा। 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको। हमारे जो इस समय UPSI के एडमिशन जो है अभी भी स्टार्ट हैं, चल रहे हैं बैचेस में, आप बोर्ड पर लिखे नंबर पर को अपने मोबाइल में सेव कीजिए और व्हाट्सएप पर UPSI एंट्री लिखकर भेजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी या इस नंबर पर कॉल करके या स्क्रॉल बार में जो डिटेल्स चल रहे हैं उन डिटेल्स को फॉलो करते हुए आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आलोक सर के निर्देशन में हमारी टीम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि आपको सबसे बेहतर देने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो अपनी सीट को सुरक्षित करें, जल्द से जल्द एडमिशन की प्रक्रिया ले, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं आज UPSI मूल विधि का जो एक टॉपिक है उसका नाम है जनहित याचिका, ठीक है दोस्तों। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आप यदि वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपके 3 से 4 नंबर के मार्क्स जो है वो पक्के हो जाते हैं, ठीक है। तो आज हम जनहित याचिका के बारे में पढ़ेंगे। जनहित याचिका है क्या, जनहित याचिका का कंसेप्ट क्या है, जनहित याचिका किस तरीके से लाई जाती है, या जनहित याचिका का जो बेसिक फंडा है वो है क्या, ठीक है। जनहित याचिका के संबंध में यदि हम आपसे पूछ कहते हैं कि जनहित याचिका का उद्भव कहाँ से हुआ, जनहित याचिका आई कहाँ से, जनहित याचिका का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये तमाम चीज़ें जो हैं आज हम देखेंगे, ठीक है। इस आधे घंटे की वीडियो में हमारा प्रयास रहेगा कि आपको सबसे पूरी जनहित याचिका का जो है वो निचोड़ दे दिया जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टॉपिक का नाम है जनहित याचिका, जनहित याचिका। जनहित याचिका का अर्थ, इसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या हिंदी में यही शब्द आपको मिलेगा पढ़ने को, लोकहितवाद। क्या मिलता है दोस्तों, लोकहितवाद, ठीक। कई ये तीन कई सारे शब्द आपको मिलते हैं पढ़ने को, बुक्स में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ेंगे तो ये शब्द आपको मिलेंगे। वह चाहे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम से जाना जाए, जनहित याचिका के नाम से जाना जाए, या लोकहितवाद के नाम से जाना जाए, ठीक है। तो लोकहितवाद मींस, जैसा कि यह नाम से ही बहुत स्पष्ट हो रहा है, नाम से ही बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट हो जा रहा है। क्या स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, कि लोक मींस पब्लिक के कल्याण के लिए यदि कोई वाद, कोई याचिका दायर की जाती है तो वह याचिका, वह वाद किस नाम से जाना जाएगा, लोकहितवाद के नाम से जाना जाएगा, जनहित याचिका के नाम से जाना जाएगा। चलिए आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जनहित याचिका कैसे दायर की जाती, किन मुद्दों पर दायर की जाती है। चलिए हम आपको एक केस का नाम बताते हैं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बंधुआ मुक्ति मोर्चा विरुद्ध भारत संघ। यह मामला है हरियाणा के फरीदकोट जिले का। एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता थे MC मेहता साहब, उन्होंने उन्हें कहीं से यह जानकारी प्राप्त हुई कि यहां पर कुछ बच्चों को जो है वो बंधुआ बनाकर उनसे कार्य लिया जा रहा है, ठीक है। उन्होंने इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा और उस पत्र के माध्यम से उन्होंने न्यायालय को यह अवगत कराया कि माननीय यहां पर इस तरह की जो है काम चल रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने
एडवोकेट एमसी मेहता साहब के उस पत्र को जो है वो जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया। किसके रूप में? जनहित याचिका के रूप में स्वीकार किया और हरियाणा सरकार के गृह मुख्य सचिव को उन्होंने आदेशित किया कि इस बात की जांच कर रिपोर्ट सबमिट करें। और जब जांच की गई वास्तविकता में तो करीब 100 से अधिक ऐसे बच्चे पाए गए जिन्हें दो वक्त की रोटी भी नहीं दी जाती थी और उनसे जबरदस्ती काम लिया जाता था, बंधुआ बनाकर काम लिया जाता था और उन बच्चों को फिर आजाद कराया गया। उनके रहने खाने और शिक्षा यानी पुनर्वास की पूरी व्यवस्था सरकार ने की। ठीक है दोस्तों, तो जनहित याचिका से जुड़े मुद्दे कैसे होते हैं जिसमें लोक का कल्याण हो, पब्लिक का इंटरेस्ट जुड़ा हो। व्यक्तिगत यदि उसमें स्वार्थ है तो वह जनहित याचिका के तहत नहीं आता है। व्यक्तिगत किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए यदि कोई याचिका आप फाइल करते हैं, इट इज नॉट कम विद इन द परव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, यह जनहित याचिका के जो है वह दायरे में नहीं आएगा। ठीक, जनहित याचिका, तो क्या जनहित याचिका जो होती है वह किस न्यायालय में दाखिल की जाती है? पहला प्रश्न आता है यह कि लोकहितवाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किन न्यायालयों में दाखिल की जा सकती है? ठीक है, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वह दो न्यायालयों में दाखिल की जा सकती है। किन किन न्यायालयों में? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों में दाखिल की जा सकती है। प्रश्न पूछा गया है इसलिए मैं आपको बार बार यह बता रहा हूं, ठीक है, कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लोकहितवाद किन न्यायालयों में दाखिल किया जाता है? तो लोकहितवाद किस न्यायालय में? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में दाखिल किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रश्न यह आता है, ठीक है, क्या प्रश्न आता है कि लोकहितवाद, ठीक है, कि उत्पत्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से हुई है? क्या प्रश्न आता है कि लोकहितवाद की उत्पत्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से होती है? क्वेश्चन आप मान लीजिए यह है कि लोकहितवाद, लोकहितवाद की उत्पत्ति भारतीय संविधान के, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से होती है? किस अनुच्छेद से होती है? तो इसका आंसर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो जनहित याचिका का उद्भव करती है, लोकहितवाद का की उत्पत्ति करती है। क्लियर हो गया है जनहित याचिका, कि जनहित याचिका की उत्पत्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से होती है? तो अनुच्छेद 32 से होती है। जनहित याचिका को प्रारंभ करने का श्रेय, जनहित याचिका को स्टार्ट करने का श्रेय भारत में किस न्यायाधीश या किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक या जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का फादर कहा जाता है? तो जस्टिस पी एन भगवती, जस्टिस श्री पी एन भगवती जो भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, उन्हें भारत में जनहित याचिका या लोकहितवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लोकहितवाद का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो लोकहितवाद का जनक भारत में किसे कहा जाता है? माननीय जस्टिस श्री पी एन भगवती जी को कहा जाता है। ठीक है, जस्टिस श्री पी एन भगवती को भारत में जनहित याचिका का फादर या फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज हम इसमें यह देखते हैं दोस्तों कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किस तरह के मामले में दाखिल की जाती है, किन तरह के मामलों में
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की जा सकती है। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, जैसे बंधुआ मुक्ति मोर्चा, ठीक है, बंधुआ मुक्ति मोर्चा बंधुआ व्यापारियों के संबंध में, पर्यावरण के संरक्षण के संबंध में, ठीक है, इन तमाम तरह के मुद्दे होते हैं जहां पर आपको एक सिंपल सी भाषा में यह समझना है कि ऐसे मामले जिनसे लोक का कल्याण निहित हो, जिसमें लोगों का कल्याण निहित हो वह लोकहितवाद होता है। ठीक है, लोकहितवाद के संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए गए, क्यों, क्योंकि लोकहितवाद का अब्यूज होने लगा, उसका दुरुपयोग होने लगा। ठीक है, तो लोकहितवाद के संबंध में जनता दल वर्सेस एचएस चौधरी, आप लिखना चाहें तो इसको लिख लें, जनता दल वर्सेस एचएस चौधरी, जनता दल वर्सेस एचएस चौधरी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने लोकहितवाद के उपयोगिता पर या लोकहितवाद के दुरुपयोग पर उन्होंने कुछ दिशा निर्देश जारी किए। क्या दिशा निर्देश जारी किए, कि यदि अननेसेसरी किसी भी ऐसे ग्राउंड्स पर, किसी ऐसे तथ्यों के आधार पर आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं, दायर करते हैं, जो वास्तव में बोगस हो, मीन्स उनका कोई उपयोगिता ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। आप किसी ऐसे बिंदु पर जनहित याचिका लाते हैं जिनका वास्तव में वो जनहित याचिका ना होकर बल्कि क्या है, निजी स्वार्थ की सिद्धि है, ठीक, वहां पर क्या होगा, न्यायालय आप पर जुर्माना अधिरोपित कर सकता है, न्यायालय आप पर जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, एक लैटिन मैक्सिम है जिसके आधार पर यह कार्य करती है, क्या कार्य करती है, जनहित याचिका, यूबी जस ईबी रेमेडियम, यूबी जस ईबी रेमेडियम, ये लैटिन शब्द है बेटा। ठीक है दोस्तों, यह लैटिन शब्द है, यूबी जस ईबी रेमेडियम, यूबी जस ईबी रेमेडियम का अर्थ होता है जहां उपचार है, जहां अधिकार है वहां उपचार है, वहां उपचार है, मींस यदि आपको अधिकार दे दिए जाए परंतु उन अधिकारों के इन्फोर्समेंट के लिए, उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए आपके पास कोई भी तंत्र ना हो, आपको दे दिया, हमने कहा कि आपको जीवन जीने का अधिकार है, पर उस चीज के अधिकार की गारंटी राज्य ना दे पाए, ठीक है, कोई व्यक्ति आपको परेशान करे, आपके घर पे कब्जा कर ले, आपको रोज मारे पीटे, इस तरह की चीजें करे, और कोई सिस्टम ना हो उसका कि आपको प्रोटेक्शन दिया जा सके, आपको संरक्षण दिया जा सके, तो बताइए ऐसे अधिकार का क्या मतलब है, ऐसे अधिकार का क्या कोई मतलब है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, आप यहां किराए से रहते हैं, जहां पर भी आप रहते हैं, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, किराए से रह रहे हैं, आप मकान मालिक को 2 माह तक किराया मत दीजिए, ठीक है, अब मकान मालिक क्या करेगा, आपके विरुद्ध इविक्शन का दावा लाएगा, बेदखली का, कि साहब इन्होंने, क्योंकि उत्तर प्रदेश रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत यह लिखा हुआ है कि यदि आप बराबर यानी रेगुलर तौर पर यदि किराया देने में इंटरवीन करते हैं, हस्तक्षेप करते हैं, नहीं देते हैं, तो मकान से आपके विरुद्ध बेदखली का आधार माना गया है। ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं कि आप मान लीजिए 2-3 महीने तक मकान मालिक को किराया ना दे, ठीक है, और जब आप किराया मांगने जाए तो वो कह दे कि हम आपको जानते ही नहीं, मकान मालिक आपके विरुद्ध सूट लाता है, दावा लाता है कि साहब हमारे इनके बंध जो है वो मकान मालिक और किरायेदार का संबंध है, ठीक है, और इन्हें यह कहा जाए कि मैं इनका मकान मालिक हूं, न्यायालय से आप ये दरखास्त करें, इस जात की गुजारिश करें, ठीक है, तो यदि मकान मालिक कोर्ट या कह भी दे
कि चलो भाई ठीक है, आपके इनके मकान मालिक और किराएदार के संबंध है क्योंकि आपने रेंट एग्रीमेंट कर रखा है। तो यदि मात्र इस बात की डिक्लेरेशन कर दी जाए, इस बात की घोषणा कर दी जाए कि आप मकान मालिक हैं, तो उससे आपको क्या प्रॉफिट हुआ? मकान मालिक को कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। जब तक कि वह यह ना कह दे कि साहब मुझे मकान मालिक भी घोषित किया जाए और मुझे इनके विरुद्ध जो है मकान से इन्हें बेदखल किया जाए क्योंकि इन्होंने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ठीक है, तो यदि अधिकार है तो आपको उपचार के बिना ऐसे अधिकारों की कोई वैलिडिटी बेटा नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद एक और केस आता है, एक केस आता है हुसैन आरा खातून का। किसका केस आता है? हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य, गृह सचिव बिहार राज्य। हुसैन आरा खातून बनाम गृह सचिव बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एक हुसैन आरा खातून वर्सेस गृह सचिव बिहार राज्य में उन्होंने कहा था कि यदि न्यूज़पेपर में कोई खबर छपी है, न्यूज़पेपर में किसी अखबार में यदि कोई खबर छपी है तो वह खबर को भी न्यायालय चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मान सकती है। मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूं कैसे मान सकती है। एक मामला था रीवा यूनिवर्सिटी का, रीवा विश्वविद्यालय का था, जहां पर रीवा में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय है, वहां की घटना मैं आपको बता रहा हूं। वहां की एक घटना ऐसी थी कि वहां पर कुछ रसूखदार स्टूडेंट्स ने जो है एक लड़की को मारा पीटा और उसे अपनी गाड़ी में बांधकर खींचा, जिसके कारण उस लड़की की डेथ हो जाती है, वो लड़की मर जाती है। ठीक है, परंतु इतने रसूखदार वो व्यक्ति थे कि उनके विरुद्ध किसी व्यक्ति ने भी कोई गवाही नहीं दी। वो जो है न्यायालय से बरी हो जाते हैं, मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बरी हो जाते हैं और उच्च न्यायालय से भी साक्ष्यों के अभाव में बरी हो जाते हैं। परंतु जब उच्चतम न्यायालय में मामला पहुंचता है तो चूंकि इसके संबंध में न्यूज़पेपर में जो है वो खबर छपी थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने न्यूज़पेपर में जो खबर छपी थी उसके आधार पर और उसको साक्ष्य मानते हुए, ठीक है, उसके आधार पर और उसको साक्ष्य मानते हुए उसमें 5 आरोपी थे और 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। न्यायालय ने यह भी वर्डिक्ट उसमें दिया था, यह भी कहा था कि चूंकि अपराधी ऐसे व्यक्ति थे जो समाज में दबंग थे, समाज के लिए खतरा थे, अतः ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति साक्ष्य देकर अपना जीवन जो है वो संकट में नहीं डालेगा। तो जो न्यूज़पेपर की घटना थी उन्होंने कहा कि यदि न्यूज़पेपर में किसी अखबार में यह घटना छपी है तो निश्चित है इस अखबार में, इस घटना में कुछ न कुछ सत्यता है। ठीक है, यहां पर उच्चतम न्यायालय ने क्या किया था, उसको भी साक्ष्य माना था और अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ठीक है, अब आते हैं अगले टॉप, अगले जो है पॉइंट्स पर। ठीक है, अगले पॉइंट में हम आपको बताते हैं कि ये जो जनहित याचिका है, जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, ठीक है, जनहित याचिका के माध्यम से उच्चतम न्यायालय कितने प्रकार की रिट इशू कर सकता है, कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, क्योंकि कोई भी आदेश जब पारित करेगा तो वो किसी न किसी रिट के माध्यम से ही करेगा। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट का उल्लेख किया गया है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं दोस्तों हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। 5ों पहले बता देते हैं फिर एक एक को करके हम आपको डिटेल में समझाएंगे। दूसरा होता है परमादेश,
परमा देश। इसको कहते हैं रिट ऑफ मैंडमस। तीसरा होता है उत्प्रेषण। इंग्लिश में कहते हैं इसको रिट ऑफ सर्सियोरारी। चौथा है प्रतिषेध लेख, यानी प्रतिषेध याचिका। इसको कहते हैं रिट ऑफ प्रोहिबिशन। और पांचवा है हमारा अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा मींस रिट ऑफ क्वा वारंटो, QUWARANTO। यह पांच प्रकार की रिट जो होती हैं, याचिकाएं होती हैं, इन्हीं के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय क्या करते हैं, जनहित याचिका के आदेशों का प्रवर्तन किया जाता है, आदेश जारी किया जाता है। ठीक है, हम सबसे पहला देखते हैं क्या होता है। सबसे पहला देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, किसे कहते हैं? जैसा हमने आपको बता दिया कि ये वर्ड जो है हैबियस कॉर्पस, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका संक्षिप्त नाम होता है प्रोड्यूस द बॉडी। प्रोड्यूस द बॉडी, शरीर को उपस्थित करो। मान के चलिए एग्जांपल देते हैं, किसी व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया। किसी व्यक्ति को पुलिस ने क्या कर दिया, हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया इलीगल तरीके से, अवैधानिक तरीके से। अब आप कहेंगे सब इलीगल गिरफ्तारी कैसे होती है? तो जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसमें कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा कर्तव्य पालन की लिस्ट दी गई है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जब कोई पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, तो सबसे पहले तो वह उसको गिरफ्तार करने के कारणों से अवगत कराएगा कि मैं आपको क्यों अरेस्ट कर रहा हूं। ठीक है भाई, कारण बताएगा कि आपके विरुद्ध यह अपराध है, आपने ऐसा काम किया है। तो पहला काम क्या करेगा कि सबसे पहले वह जिस समय अभियुक्त को गिरफ्तार करेगा उसको गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा पुलिस अधिकारी, उसके बाद पुलिस अधिकारी जो है वह अभियुक्त के बताए हुए व्यक्ति को सूचना देगा। अभियुक्त जिस व्यक्ति को कहेगा कि साहब इन्हें बता दीजिए कि हाँ हमारे विरुद्ध ऐसा ऐसा अपराध है और हमें जो है थाने ले जाया जा रहा है, तो इनको जो है सूचित कर दो। ठीक है, तो अभियुक्त के बताए गए, अभियुक्त द्वारा बताए गए किसी व्यक्ति को पुलिस क्या करेगी, सूचना देगी। ठीक है, तो ये उसके बाद जब पुलिस अधिकारी थाने में उस व्यक्ति को ले जाएगा, वहां पर एक रजिस्टर होता है बेटा, उसको कहते हैं रोज नामचा। क्या कहते हैं? रोज नामचा मींस प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन की कार्रवाइयों को पुलिस अधिकारी उस डायरी में लिखते हैं। और जैसे अभियुक्त को गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा, वहां पर एक एंट्री की जाएगी कि मैं फला व्यक्ति, अपना पदनाम लिखेगा पुलिस अधिकारी, उस अभियुक्त का नाम लिखेगा, उस व्यक्ति का नाम लिखेगा जिसे गिरफ्तार किया गया है, और कितने बजकर कितने मिनट पर ले आया गया थाने में, और जब थाने में लाया गया तो उस समय उस व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो शारीरिक स्थिति और मानसिक स्थिति के लिए क्या करेगा, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होंगे उनसे तुरंत मेडिकल करा के उसकी एक रिपोर्ट लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि सपोज करिए आप थाने में ले आए, अपनी कस्टडी में ले आए, और कस्टडी में लाते ही कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती हार्ट अटैक से, तब आप क्या होंगे, कस्टोडियल डेथ के जिम्मेदार होंगे आप। ठीक है, और ये धारा 302 के तहत अपराध माना जाता है। यदि किसी अभियुक्त को आपने बिना मेडिकल के जो है थाने में रखा है और उस व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार माने जाएंगे। ठीक है, इसलिए पुलिस अधिकारी। तो ये क्या है, ये सारी जो है लीगल फॉर्मेलिटीज है, विधिक दायित्व है पूरा करने के। अगर इन दायित्वों को आप पूरा किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसकी गिरफ्तारी सो नहीं की जाती है,
तो इसके संबंध में अनुच्छेद 32 के तहत आप बृंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका फाइल कर सकते हैं न्यायालय में, और न्यायालय पुलिस को इस बात के लिए डायरेक्शन देगा, किस बात के लिए, कि जिस व्यक्ति को आपने इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया है, डिटेन किया है, उस व्यक्ति को आप क्या करेंगे, न्यायालय के समक्ष सशरीर उपस्थित करें, यह कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, दूसरा था हमारा, दूसरा था परमादेश। परमादेश, परमादेश का अर्थ यह होता है आदेश देना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। मींस कोई लोक प्राधिकारी है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, जिसके ऊपर इस बात की जिम्मेवारी दी गई है, इस बात का कर्तव्य अधिरोपित किया गया है कि आपको यह कार्य करना है, परंतु वह लोक सेवक अपने कर्तव्य में उपेक्षा या असावधानी या लापरवाही बरतता है, ठीक है, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय परमादेश याचिका दाखिल, परमादेश रिट जारी करेगा, और उस रिट के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय उस अधिकारी को आदेशित करेगा कि आपको यह काम करना है, ठीक है, परमादेश का यह अर्थ होता है। तीसरा देखते हैं हम, तीसरी हमारी याचिका जो है वह है उत्प्रेषण लेख, उत्प्रेषण याचिका, उत्प्रेषण याचिका। उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है रद्द कर देना, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है रद्द कर देना। इसको आप चाहें तो नोट डाउन भी कर लेंगे बेटा, है ना, इंग्लिश में कहते हैं टू क्वेश, QUASH, क्वेश कर देना किसी भी, मान लीजिए किसी न्यायालय ने, किसी अधिकरण ने या किसी संस्था ने कोई आदेश जारी कर दिया, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्या डिफरेंस है, अभी उत्प्रेषण समझिए, उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ होता है रद्द कर देना, क्वेश कर देना, ठीक है, जब किसी न्यायालय ने, किसी अधिकरण ने या किसी अन्य अथॉरिटी ने कोई ऐसा आदेश पारित कर दिया जिससे पारित करने की अधिकारिता उस अथॉरिटी को नहीं थी, अधिकारिता मीन्स काम करने का क्षेत्र जो होता है, ठीक है, वह कार्य करने की उसकी क्षेत्र नहीं थी और अपने क्षेत्राधिकार की बाहर जाकर वह न्यायालय आदेश पारित कर देता है। एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने का जिम्मेदारी पुलिस की है, ठीक है, और धारा 144 जो लगाई जाती है कि यदि किसी प्रकार की का खतरा दिखाई पड़ता है तो पुलिस क्या करती है, धारा 144 इंप्लीमेंट कर देती है, ठीक है, परंतु यह कार्य यदि कोई अन्य व्यक्ति कर दे, कोई अन्य न्यायालय कर दे जिसे यह काम करने की अधिकारिता नहीं है, तो न्यायालय, उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, ऐसे आदेश को उत्प्रेषण लेख के माध्यम से रद्द कर देगा, क्वेश कर देगा। चलिए एक एग्जांपल और आपको हम बताते हैं, मृत्यु दंड देने का पावर किसे है, मृत्यु दंड देने का पावर जो है वो दंड प्रक्रिया संहिता में या तो सेशन न्यायालय को है, सेशन न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मृत्यु दंड की सजा जो है वो तीन कोर्ट दे सकती है, या तो सेशन न्यायालय दे सकता है मृत्यु दंड,
उच्च न्यायालय दे सकता है मृत्युदंड या उच्चतम न्यायालय मृत्युदंड दे सकता है। परंतु मान के चलिए किसी कार्यपालक दंडाधिकारी ने, सेशन न्यायालय मीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होता है, ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कई न्यायालय होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, ठीक है, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन जो होते हैं इन्हें मृत्युदंड देने का पावर नहीं है, कानून ने नहीं दे रखा। अब मान के चलिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के किसी न्यायिक अधिकारी ने किसी अभियुक्त को मृत्युदंड की सजा दे दी, ठीक है, सिविल जज जूनियर डिवीजन के किसी न्यायिक अधिकारी ने किसी अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया, तो यहां पर उसने क्या किया है, अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है, अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर कार्य किया है। तो जब कोई व्यक्ति अपनी अधिकारिता के बाहर जाकर कोई कार्य कर देता है, कोई अधिकारी कार्य कर देता है, तब ऐसे अधिकारी के द्वारा दिया गया आदेश क्या कर दिया जाता है, उत्प्रेषण याचिका के माध्यम से रद्द कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं यह भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम उत्प्रेषण के बाद चौथा है हमारा प्रतिषेध लेख या प्रतिषेध याचिका, रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ होता है मना करना, टू प्रोहिबिट टू डू एनीथिंग। मान लीजिए कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण है, कोई न्यायालय या न्यायाधिकरण है और वह कोई ऐसा कार्य करना प्रारंभ कर देता है, कोई ऐसा कार्य करने लगता है जिसे करने की अधिकारिता उसे नहीं है, ठीक है, जिसे उत्प्रेषण में मैंने क्या कहा था कि उस अधिकारिता का प्रयोग करते हुए आपने कोई आदेश पारित कर दिया, तो उस आदेश को रद्द कर देना, और यहां पर ऐसी अधिकारिता का इस्तेमाल करने लगना जो अधिकारिता आपके पास है ही नहीं। आप हैं सिविल जज जूनियर डिवीजन और आप काम करने लगे हाई कोर्ट के जज का, या जो उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे काम करने से रोकने के लिए माफ कीजिएगा प्रतिषेध याचिका के माध्यम से रोक दिया जाता है कि देखिए जो काम आप कर रहे हैं, जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, इस कार्य को करने की अधिकारिता ही आपको कानून ने नहीं दे रखी है। समझ गए होंगे कि इस कार्य को करने की यदि अधिकारिता आपके पास नहीं है, ठीक है, इस कार्य को करने की अधिकारिता आपके पास नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं, तो ऐसे कार्यों को करने से आपको रोका जा सकता है, ठीक है, किस याचिका के माध्यम से, प्रतिषेध याचिका के माध्यम से। नेक्स्ट देखते हैं आखिरी याचिका हमारी कौन सी है, पांचवी, वो है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वा वारंटो, क्वा वारंटो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका क्या अधिकार है। मान लीजिए कोई लोक सेवक है, किसी लोक पद को धारण किए हुए है, कोई लोक सेवक किसी लोक पद को धारण किए हुए है, तो न्यायालय उससे यह पूछ सकता है कि क्या जिस लोक पद को आप धारण किए हुए हैं, क्या उस लोक पद को धारण करने की जो आवश्यक अर्हताएं हैं, आप क्या उन आवश्यक अर्हताओं की पूर्ति करते हैं या नहीं। कोई व्यक्ति है, जिले का कलेक्टर है, डीएम है, न्यायालय उससे यह पूछ सकता है कि क्या आप डीएम की पोस्ट को होल्ड किए हैं, क्या आपके पास आवश्यक अर्हताएं हैं, मींस डीएम बनने के लिए आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है, आईएएस की परीक्षा कौन दे सकता है, जो 21 वर्ष से ऊपर हो और कम से कम क्या हो, स्नातक हो, यही अर्हता है। तो यदि आप स्नातक नहीं है और आपने इन तथ्यों को छिपाते हुए आपने वह परीक्षा पास कर ली और आप लोक पद को धारण कर लिए,
तो उच्चतम न्यायालय आपको क्या करेगा, ऐसे पद से तुरंत हट जाने का निर्देश देगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा के भूतपूर्व चेयरमैन माननीय डॉक्टर अनिल कुमार यादव जी, इन्होंने इस लोक पद को धारण किया था, पब्लिक पोस्ट होती है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का, तो इन्होंने इनके खिलाफ कुछ बच्चों ने जो है वो तमाम रिट याचिका फाइल की थी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में। उसमें उच्च न्यायालय ने इनसे यह पूछा था कि जिस लोक पद को आप धारण कर रहे हैं, क्या उस लोक पद को, क्या उस पद को धारण करने का अधिकार आपको है या नहीं। ठीक है, तो यदि आप उस पद को धारण करने की आवश्यक योग्यताएं रखते हैं, आवश्यक योग्यता आपके पास है, तभी आप उस पद को धारण कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे पद को धारण करने से आपको रोका जा सकता है, और या यदि आप उस पद को धारण कर चुके हैं, कार्य कर रहे हैं, तो तत्काल प्रभाव से आपको उस कार्य से विरत कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर जनहित याचिका के माध्यम से, ठीक है, जनहित याचिका के माध्यम से आज हमने जो है वो पांच प्रकार की रिट को पढ़ा है। ठीक है, पांच प्रकार की रिट को पढ़ा है। इन पांचों प्रकार के रिट में यदि आप बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे, सारी चीजें आपने लिख ली होंगी, तो उम्मीद करिएगा कि 3 से 4 नंबर के प्रश्न जो है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, इस बात की हमारी जवाबदेही है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद।